तो चलिए दोस्तों देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं की ट्रिक। दोस्तों हमारी दो ट्रिकें हैं, ट्रिक ए और ट्रिक बी। अब दोस्तों ट्रिक ए से ट्रिक बी बहुत ही बेहतर है, अच्छी है, जैसा कि आप आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिक ए की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ट्रिक ए है सुविचित्र हीरा, यानी कि दोस्तों एक ऐसा हीरा, एक ऐसा डायमंड जो विचित्र हो, यानी कि सुविचित्र हीरा। अब दोस्तों इस ट्रिक को, इस छोटे से वाक्यांश को हम नीचे अलग अलग अक्षरों में ऐसे डिवाइड किए हैं। अब हम इनसे मतलब निकालेंगे। तो सबसे पहले है सु, तो सु से हम यहाँ पे समझेंगे सूरदास, सु से है सूरदास। और उसके बाद में जो हमारा अक्षर है वी, तो बी से हम समझेंगे विचार विथी, बी से है विचार विथी। ये रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाओं में से एक है। और उसके बाद में है ची, तो ची से हम यहाँ पे मतलब समझेंगे चिंता मणि, तो ची से है चिंता मणि। और उसके बाद में जो हमारा अक्षर है वो है त्रा, तो त्रा से हम समझेंगे यहाँ पे त्रिवेणी, त्रा से त्रिवेणी। और उसके बाद में है ही, तो ही से हम यहाँ पे मतलब निकालेंगे, ही से है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब दोस्तों इसके बाद में जो हमारा अंतिम अक्षर है वो है रा, तो रा से है रस मीमांसा, रा से है रस मीमांसा। दोस्तों आप ये कॉपी कलम उठाइए और ये साथ साथ में नोट भी करते रहिए। तो रा से है रस मीमांसा। और दोस्तों आप रा से रामचंद्र शुक्ल भी कर सकते हैं। तो इससे आपको ये भी ध्यान रहेगा कि इन सभी रचनाओं के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपनी ट्रिक बी की, जो कि ट्रिक ए से मेरे हिसाब से अच्छी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा अक्षर आ रहा है वो है चिंता। तो ये एक छोटा सा, ये भी एक वाक्य है, चिंता विचार बंधु राम की सूरत आली। आप दो तीन बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, चिंता विचार बंधु राम की सूरत आली। अब दोस्तों इसमें चिंता का जो मतलब है, तो जैसा कि आप देख ही चुके हैं, चिंता से है चिंता मणि, तो चिंता से है चिंता मणि। और उसके बाद में विचार, तो विचार से है विचार विथी, विचार विथी, विचार से है विचार विथी। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं बंधु, तो बंधु जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा डार्क लिखा हुआ है गाढ़े अक्षर में, तो बंधु का मतलब यहाँ पे है ये निबंध हैं, निबंध विधा की रचना है। तो निबंध विधा की, सॉरी, निबंध विधा की रचना है ये सभी, यानी कि ये चिंतामणि और विचार विथी ये निबंध विधा की रचना है। इसमें ये भी ध्यान हो जाएगा, निबंध विधा की रचना है। और उसके बाद में है राम की, तो राम से हम समझेंगे यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि रामचंद्र शुक्ल इन रचनाओं के लेखक हैं। और उसके बाद में है सूरत आली, तो सूरत में हम अलग अलग अक्षरों का मतलब समझेंगे, सू से है सूरदास, जैसा कि आपने पहली वाली भी ट्रिक में देखा, और रा से है रसमीमांसा, रसमीमांसा। और उसके बाद में है ता, तो ता से हम समझेंगे त्रिवेणी, ता से है त्रिवेणी। और आप लास्ट में देख रहे हैं आली, यानी कि आली का मतलब है यहाँ पे आलोचना, यानी कि ये जो हमारी रचनाएं हैं सूरदास, रश्मिमांसा और त्रिवेणी, ये तीनों आलोचना विधा की रचना है। तो इस ट्रिक में ये भी पता चल जाता है कि चिंतामणि विचार विथी किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है, और सूरदास, रश्मिमांसा, त्रिवेणी ये आली यानी कि आलोचना विधा की रचना है। तो दोस्तों आपको इन दोनों ट्रिकों में से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको ट्रिकी वीडियो मिलते रहेंगे और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।